क्योंकि जिस तरीके से होल्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे, कि अगर आप लीड देखे तो वो ओआर के पास नजर आ रहा है शुरुआती क्षणों में, शुरुआती दो से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेगी फिलहाल के लिए। 4-1 का स्कोर लाइन, 8 से 8.5 मिनट का जो समय है वो शेष रहने वाला है और यहाँ से आप स्पर्श वो आगे जरूर से बढ़े जैप को फिनिश कर। और यहाँ पे ये लीजिए एडमिनो थोड़ा पीछे जाए, जैप वहाँ पे सामने मौजूद, एडमिनो बिल्कुल सामने तैयार, दोनों ने मिलकर यहाँ पे चार्जिंग किया है, अटैक इनिशिएट करेंगे। और एक और बहुत वो मिला था पिछले बार भी मिस्टर स्पाइक के साथ हाइड्रा का, लेकिन ये हम सबको पता है, ये हमने विटनेस किया है कि टीम हाइड्रा जिस तरीके से अपना गेम को पलटना जानती है, जिस तरीके का डोमिनेशन आखिरी के मोमेंट पे दिखाया था हाइड्रा ने, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उन्होंने गेम को बदला है, क्योंकि पूरे तरीके से गेम मिस्टर स्पाइक के हाथ में था, वो हाथ को खोला और वहां से गेम को छीन लिया बिल्कुल। लेकिन वो जो कुछ भाई जरूर से कर रहे हैं कि यहाँ जो लीड है उसको तोड़ा जाए, आगे निकलेंगे जरूर, 2 पॉइंट का लीड अभी भी डैमेज वो दे दिया गया, जैप वहां पे सामने मौजूद, अगर थोड़ा और ओवर से ये मैच को एग्जीक्यूट करती है, ये मैच को वापस से अपने मुट्ठी में लेते हुए नजर आती है, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। 11-7 का ये स्कोर के पास हाइड्रा के खिलाड़ियों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी ज़रूर से, बट वापसी हमेशा से हाइड्रा उसके लिए जानी गई है, वो ड्रैगन की दहाड़ है उनका, जो वो गरज है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो थोड़ा थोड़ा करके दिखना भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। डेरा ओपी वो ज़रूर से आगे आएंगे, जैप वहाँ पे सामने मौजूद, अटैक आया है कि अगर वहाँ पे मूवमेंट हुआ है तो शायद उसी एंगल से आपको आगे आते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी। और ये लीजिए हाइड्रा वो करवाते हुए नजर आ रही है, 15 पॉइंट टोटल में वो आ रही है टीम हाइड्रा, थोड़ा ज्यादा मुश्किल टीम हाइड्रा के लिए ये मैच होता हुआ नजर आएगा। एडमिनो को डाउन किया जैप के ऊपर ट्रेस, लेकिन थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा हाइड्रा के लिए। यहाँ 18-10 का स्कोर लाइन हो चुका है और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से वो गेम बना सकते हैं हाइड्रा, बट जिस तरह से लीड, एक नया फॉर्मेशन उसके बाद कहीं ना कहीं एक नया से बनता नजर आएगा बिल्कुल। यहाँ पे एक जरूरी बात ये भी है कि ये मैच अगर टीम हाइड्रा वो लूज करती है तो कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस वो यहाँ पे टीम हाइड्रा के पास और अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, डैमेज बहुत ज्यादा हो गया, जो खिलाड़ी है वो कनेक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। गेम टीम हाइड्रा की तरफ से देखने को मिल जरूर से रहा है, थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, कोशिश जरूर से कर रहे हैं, लेकिन जैप वो जान ये गेम बनता नजर आ रहा है। 2 से 2.5 मिनट का समय शेष रहने वाला है, बहुत ज्यादा अलर्ट, बहुत ज्यादा रेडी रह के खेलना पड़ता है। के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इनके पास भी एक अच्छा मौका यहाँ पे देखने को जरूर से मिलेगा, बट ये लीजिए ओ ओ ओ दोनों बिल्कुल तैयार है कहीं से भी आगे बढ़ने का जो मौका, 2 मिनट का टाइम यहाँ पे है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पे, शायद अब इतना ज्यादा पॉइंट को कवर अप करना वो बॉस देखा है हमने कई बार, लेकिन फिलहाल वो इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन वो निकल के आता है। 8 पॉइंट तक लेके आ गए और ये लीजिए 7 पॉइंट से नजर आती है, वो थोड़ा सा अलग रूप रंग में नजर आती है। और ये लीजिए जैप को डाउन किया, एडमिनो अभी भी बिल्कुल तैयार, कंटेनर का कवर उनके पास, जंप शॉट आएगा और देवरा ओपी एक और सफलता अपने नाम करते हुए, लेकिन जैप वो भी बिल्कुल सामने मौजूद है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है देवरा। और ये लीजिए 1 मिनट का समय जो है वो अभी के लिए शेष रहने वाला है, ड्यूरा के पास वो मौका ले, मुझे यहाँ पे जरूर से बनता नजर आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा तैयार होके, आपको बहुत ज्यादा रेडी होके अब यहाँ से आगे खेलने की जरूरत है। हाइड्रा के लिए 30 मिनट का टाइम और बहुत बड़ा एक पॉइंट चेज करना है, आ सकती है ड्यूरा ओपी, बहुत बेहतरीन ट्राई किया इन्होंने स्पर्श, बहुत ही एक अच्छा गेम प्ले इन्होंने दिखाया जरूर से, लेकिन उसके बेटर डोमिनेशन टीम ओआर की तरफ से देखने को मिला, लेकिन फिर भी टीम हाइड्रा उनके पास एक और मैच आज के दिन का वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या अपने आखिरी मैच में टीम हाइड्रा वो किस तरीके का परफॉर्म करते हुए नजर आती है, और इनके आखिरी मैच के साथ साथ टीम कार्निवल 2.0